जो मार्केट में वायग्रा मिलती है जी, तो वायग्रा हम ले सकते हैं? इज इट राइट टू टेक वायग्रा? आई मीन कोई साइड इफेक्ट होता है उसका, या पीनिस पे कोई इफेक्ट पड़ता है, या फिर किसी को ईडी है तो वायग्रा उसे ट्रीट कर सकता है? वायग्रा के बारे में बताइए सर जी। वायग्रा के बारे में बात करते हैं, सब मोस्ट फेमस ड्रग है सेक्सुअल हेल्थ के लिए, वैसे हर किसी को पता है वायग्रा के बारे में, लेकिन मेरे रिकमेंडेशन में बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के आपको यूज नहीं करनी चाहिए। लोग गलती क्या करते हैं, कंसल्ट करते नहीं। आजकल सबको पता है वायग्रा वायग्रा वायग्रा, लोग मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, बोलते हैं भाई गोली देते वायग्रा देते, मेडिकल स्टोर वाला उनको उठा के दे देता है। मेडिकल स्टोर वाले को कोई मतलब नहीं है कि इसकी एज क्या है, इसको प्रॉब्लम क्या है, उसको कुछ नहीं, उसको सिर्फ बेचने से मतलब है। आपको मैं क्लियर बताऊं, वायग्रा की एक स्ट्रिप एक मेडिकल स्टोर वाले को सिर्फ 7 रुपए की पड़ती है, ठीक है, उसका MRP होता है 200 रुपए। ओके, तो मेडिकल स्टोर वाले को तो सिर्फ बेचने से प्रॉफिट है, उसको तो सिर्फ बेचने से मतलब है, उसको कोई मतलब नहीं है पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है, या पेशेंट डायबिटिक है, BP है, उसको कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, उसे इस चीज से कोई मतलब नहीं है। वायग्रा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है, पेनिस की जो वेसल्स होती है उसमें ब्लड फ्लो को इंप्रूव कर देती है, वेसल्स को डायलेट कर देती है, ताकि ब्लड फ्लो जो है अच्छा हो और लंबे टाइम तक ब्लड फ्लो बना रहे। लेकिन ये भी हर किसी पे काम नहीं करती है, इसमें जो कंटेंट होता है उसे बोलते हैं सिल्डेनाफिल। अब जरूरी नहीं है कि सिल्डेनाफिल हर किसी को बॉडी को सूट करे, बहुत से लोगों को इसके बहुत साइड इफेक्ट आते हैं। मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है वायग्रा लेने के बाद, उनका इतना तेज सर दर्द होना, आंखों के आगे अंधेरा छाना, चक्कर आ जाना, चेस्ट में पेन होना, हार्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाना, तो ये बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है इसके। ये ठीक है, गोली है, सबको पता है, लेकिन विदाउट कंसल्टेशन नहीं लेना चाहिए। लोग गलती करते हैं, डायरेक्ट ले लेते हैं, और वो भी लेते हैं सीधा हायर डोज लेते हैं। इंडिया में मैक्सिमम रिकमेंडेड डोज है 100 mg। लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर वाले को बोलते हैं, मेडिकल स्टोर वाला भी सीधा 100 mg पकड़ा देता है उनको, जो कि बहुत ही डेंजरस है। तो ऐसे नहीं लेनी चाहिए। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, वायग्रा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक टेम्परेरी पिल है। आपने आज ली, ठीक है, आज आपने परफॉर्म कर लिया, आज इंजॉय कर लिया, ठीक है, नेक्स्ट डे आप फिर वैसे ही हो जाओगे। नेक्स्ट डे आपको अगर पार्टनर के साथ जाना है, नेक्स्ट डे फिर आप वायग्रा खाओगे, नेक्स्ट डे फिर आप वायग्रा खाओगे, ऐसे फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम आएगा जब आपकी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाएगी कि वायग्रा आप पे काम करना ही बंद कर देगी, तब कंडीशन बड़ी वर्स्ट हो जाती है, तब पेशेंट को ट्रीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सेल्फ ट्रीटमेंट से वो अपनी बॉडी को इतना खराब कर चुका होता है, जब वायग्रा भी काम करना बंद कर देती है तो ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। ट्रीटेबल है लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए वायग्रा ठीक है कभी कभार इंजॉय के लिए, 6 महीने में 2 महीने, कोई स्पेशल ओकेजन है, किसी स्पेशल पार्टनर से मिलने जा रहे हो, खा लिया, ठीक है, लेकिन इसे एक तो आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज मत कीजिए, सीधा बहुत हायर डोज यूज मत कीजिए, कभी भी स्टार्ट कीजिए लोअर डोज से स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल बेसिक डोज से 20 mg से 25 mg से स्टार्ट कीजिए, सीधा 100 mg पे मत जाइए। और अगर आपको कभी भी कोई भी हल्का फुल्का भी इसका साइड इफेक्ट दिखता है, तुरंत इसे लेना बंद कर दीजिए, इसे इस्तेमाल मत कीजिए, नहीं तो इसके काफी सीवियर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ओके जी, और वायग्रा किन किन लोगों को लेनी चाहिए, किन किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए? देखिए, जो हार्ट पेशेंट हैं, जिनको BP की प्रॉब्लम रहती है, या जिनका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर है, जिनको एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, एसिड रिफ्लक्स होता है जिनको बहुत ज्यादा, उनको भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे एसिड रिफ्लक्स भी बहुत ज्यादा होता है, तो इससे क्या है बीपी लो होने के चांसेस रहते हैं बीपी वाले पेशेंट्स को कई बार, और हार्ट पेशेंट्स को भी प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्दी पर्सन है, कभी कभार इंजॉय के लिए लेना चाहता है, ले सकता है, अगर उसे वो भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है तो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा कभी भी आप यूज मत कीजिए इसे, क्योंकि एक बार आप ऐसे यूज करना स्टार्ट कर देंगे आप, क्योंकि वायग्रा क्या है, ये आपको कुछ दिन कुछ टाइम के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करने लायक बना देगा। मान लो आज आपने ली, तो जनरली अगर आप एक हेल्दी पर्सन हैं, आप एक रात में 2-3 बार इंटरकोर्स करते हैं, तो वायग्रा लेके आप 5-6 बार भी कर लोगे, ठीक है। तो इसी चक्कर में क्या होता है कि इंसान सोचता है कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है, चलो नेक्स्ट टाइम भी ये लूंगा, नेक्स्ट टाइम भी ये लूंगा, और जब बार बार आप लेना स्टार्ट करते हो तो बॉडी एडिक्टेड हो जाती है। तो फिर क्या होता है, नेचुरली जब आप पार्टनर के साथ सेक्स करने जाते हो, फिर नेचुरली भी आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो, तो फिर आप बार बार लेना इस्तेमाल करोगे, एक टाइम आएगा फिर वो काम करना बंद कर देगा।
एक रात में 5-6 बार कर सकता है बंदा? बिल्कुल कर सकते हैं, वो तो मर जाएगा। देखो वो आपकी फिजिकल हेल्थ पे है कि आपकी हेल्थ कैसी है, आपका स्टेमिना कैसे है, आपकी एनर्जी लेवल कैसे है, आपकी डाइट कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। ओके, हमने तो ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं जो कहते हैं सर हमने तो एक रात में 8-8 बार भी किया है। एक रात में 8-8 बार भी किया? ये आपके पेशेंट? जी ये पेशेंट बताते हैं। ओके, जो बताते हैं कि सर जब जवान थे, जब यंग एज थी, शादी हुई थी, तो हमने तो सुहागरात पे 8 बार किया था।